इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का सेंस क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कोई एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ले लेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी शिप का ले सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पता है आपको। ठीक है, कि वो स्ट्रेट लाइन के रूप में भी हो सकता है, कर्व लाइन के रूप में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने से सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वर्क डन टू कैरी, वर्क डन मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को कैरी करेंगे तो क्या वर्क डन आएगा। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, और कैसे वर्क डन आएगा। ठीक है, वर्क डन समझते हैं ना जी आपका। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आपको जरूरी है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर पॉइंट पी से, है ना, पॉइंट पी से हमें मान लो आपकी पॉइंट वन से, ठीक है, वन से आप क्या करते हो टू पे लाते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, क्लियर आपका, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या करते हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट वन से पॉइंट टू मिलाते हो। ठीक है, क्लियर आपका, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं। तो लाएंगे तो यहाँ पे दो तरीके से ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि इसको स्लोली स्लोली लाएंगे, बिल्कुल स्लो स्लो लाएंगे, ठीक है ना, इतना स्लो लाएंगे जिससे कि उसके कारण, है ना, उसको एक जगह से दूसरे डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि फास्टली लाएंगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो फास्टली लाने में प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, कि अगर वहाँ पे फास्टली लाएंगे तो चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वगैरह में होगा तो वहाँ पे क्या आपका होगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड से बात करेंगे, इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि उसमें किसी भी तरीके का आपका वो स्पीड नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए आपका क्या होगा जी, कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, वर्क इक्वल टू क्या आता है जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, क्लियर है आपका, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्लो स्लो ला रहे हैं, देख लीजिए आपका ध्यान से, एकदम स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो ला रहे हैं। ठीक है, बहुत स्लो स्लो, इतना स्लो कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम लोग कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं जी, आपका फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, कैरी अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, कैरी स्लोली होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, आप समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या, कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा होगा, उसको धक्का देके भगा रहा होगा, लेकिन आप उसको पकड़ के ला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, रिपेल करके उसको क्या कर रहा होगा जी, भगा रहा होगा, मतलब वो चाह रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ना आए, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, लेकिन आप फिर भी उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा फोर्स लगा करके और उसको पकड़ करके यहाँ पे ला रहे हैं, क्लियर है, तो वहाँ पे वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ेगा जी, है कि नहीं। अरे मान लीजिए आपका क्या होगा कि किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, आप पकड़ के खींचते हैं, ग्राउंड पे खींचते हैं, तो वहाँ पे किसके अगेंस्ट आप खींच रहे होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे कुछ तो वर्क डन कर रहे होते हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं जी, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आपका होगा जी, जिसके अगेंस्ट में कर रहे हैं वो आपको फोर्स लगेगा, तो वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, 100% क्लियर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, जो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस लिखें, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डी एल है, तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस डी एल सॉरी डी एल लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे, क्लियर है आपका, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है डी एल का, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं जी, छोटा सा मतलब स्मॉल एलिमेंट के रूप में डी एल एड करते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए डी एल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिए, तो कुछ इस तरह से ले लिए, अरे क्लियर है, तृप्ति, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से छोटा सा अगर आपको पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट सेकेंड तक लाना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा जी, पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, प्रत्येक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ कुछ वर्क लगा होगा ना, तो सबको ऐड करेंगे कि नहीं टोटल के लिए, तो क्या आपका होगा जी, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, जब का पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट सेकेंड तक के लिए, अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट फर्स्ट को पी मानते हो, पॉइंट सेकेंड को क्यू मानते हो, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो पी टू क्यू, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो भाई क्या आपका होगा, अगर यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को उठा के यहाँ तक ला रहे थे, ठीक है, तो क्या आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, ठीक है, और फिर डब्ल्यू इक्वल टू क्या आपका होगा, एफ के प्लस पे लिखेंगे क्यू इंटू ई, और फिर आपका डी एल, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या आपका हो गया पी टू क्यू, यही आपका क्या हुआ वर्क डन हो गया। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको जल्दी से तो चलिए आप लोग को देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक चार्ज पार्टिकल देख लीजिए आपका क्या हुआ क्यू इक्वल टू वन माइक्रो कूलम है, इसको डिस्प्लेस किया गया है, उसका इनिशियल पोजिशन आपका है पी वन ऑफ टू, ठीक है ना, और आपका क्या है क्यू थ्री फोर, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर क्या है कि कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, चलिए मैं एक रीजन अपने मन से तैयार करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये कुछ इस तरह का, ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए ये आई कैप है, आई कैप लगा हुआ है, इसका कहने का सेंस है आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा जी, आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में होगा, क्लियर है। वैसे ये नहीं भी आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हुआ इस तरह से हो गया। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट पी है, क्लियर है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है क्यू है थ्री फोर। तो चलिए आप अपने मन से क्या करिए, एक पॉइंट को कुछ इस तरह से ले लिए, वन टू है और दूसरा पॉइंट आपका क्या है क्यू है थ्री फोर है, तो देख लीजिए चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट आपका पी यहाँ पे था, ठीक है, पी और क्यू, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे जी, हम लोग कहाँ से कहाँ ले जाएंगे जी, हम लोग चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे कुछ इस तरह से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि वर्क डन जो होगा इस केस में या फिर जिस किसी भी आपका क्या होगा जो भी आपका क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि ऐसा फोर्स जो क्या करेगा जी आपका जो वर्क डन जो करेगा तो पाथ इंडिपेंडेंट रखेगा, क्लियर है आपका, मतलब उसमें कुछ भी वर्क डन होगा उस फोर्स के द्वारा तो वहाँ पे क्या होगा जी पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब किसी पाथ को फॉलो करके आ रहा है तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा जी सबके लिए सिमिलर होगा, ठीक है। अब पी से क्यू पॉइंट पे ले जा रहे हैं तब किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं, ध्यान रखिए आपका पी से क्यू पॉइंट पे ले जा रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसे मैं ऐसे करके कर्व दिखा दिया, आपका मन करे इस तरह से ले जाने का तो ले जा सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है क्या जी इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे, क्लियर है, बस ये डिपेंड किस पे करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे। तो अब यहाँ से देखिए चार्ज पर यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाए, तो चलिए वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जी हम लोग देख अभी तक देखें, हम लोग क्या होगा पी से क्यू पे ले गए और एफ डॉट डी एल ऐसा ही होता है, क्लियर है, या एफ डॉट आराम से डी आर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ बात आ रही है। अब यहाँ से देखिए दोनों का दोनों क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको जी कि इस डी आर को आपको कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है कोऑर्डिनेट के रूप में है ना, अरे वन टू थ्री फोर ऐसे करके है ना, तो देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का दोनों इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो आप कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं डी आर वेक्टर को डी एक्स आई कैप और डी वाई जे, क्लियर है, ठीक है ना। फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, ये जस्ट आपको इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही बता देंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप, अरे अगर मान लो कि थ्री डी में है तो क्या आपका डी जेड जे कैप, क्लियर है आपका, है ना। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर सकते हैं जी आपका ई जेड के कैप ऐसे दिखा सकते हैं, अरे है ना, बात समझा रहे ना, ठीक है। अब यहाँ से देख लो क्या होगा, अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ मतलब W लिखता हूँ तो W इक्वल टू क्या होता है आपका जी Q इंटू वेक्टर E डॉट वेक्टर dr ऐसे लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है, अरे फोर्स का वैल्यू होता है ना, फोर्स का आपका वैल्यू होता है Q इंटू E, है ना। वेक्टर F इक्वल टू क्या होता है वेक्टर मतलब Q इंटू वेक्टर E होता है, यहाँ से वेक्टर E का वैल्यू आप डाल दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लो भाई क्या होगा, वेक्टर ई का वैल्यू डालते हैं तो क्या आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, क्लियर है आपका, और इनटू डी आर वेक्टर जो होगा वो क्या है आपका तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्लियर है यहाँ तक, और यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका क्या होगा इसका मतलब i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और y कंपोनेंट के साथ और z कंपोनेंट के साथ, तो कहने का सेंस यहां से आपका जो हो जाएगा जी वर्क डन जो आपका आएगा निकल करके वो क्या होगा जी आपका इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं, तो यहां से आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं ई एक्स होगा i कैप मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, कोई दिक्कत, अगर आप इसको इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका क्या होता है आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है जीरो होता है, आई कैप डॉट के कैप क्या होता है जीरो होता है, पता है कि नहीं, फिर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो मिलता है, क्लियर है।
इसलिए इसका भी अगर इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसको तो लिखेंगे नहीं। समझ बात आ रही है? अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो गया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आपका होगा जी? ई वाई इंटू डी वाई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आपका होगा? ई जेड इंटू डी जेड। और अगर सुन लो आप लोग, ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना ठीक है। अगर आपको क्या है कि दो पॉइंट दे रखा था, है ना, दो पॉइंट आपको दे रखा था। एक था आपका जी, एक था, ध्यान दीजिएगा आपका, एक कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कुछ इस प्रकार का था कि वेक्टर आर वन जो था, मान लो कि वो था क्या, एक्स वन वाई वन जेड वन, है ना। वेक्टर आर टू था वो क्या था आपका जी, एक्स टू वाई टू जेड टू था, कुछ इस तरह का था ठीक है। दो पॉइंट था, उसका क्वांटिटी कुछ इस तरह का रखा था, दिया हुआ ठीक है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आर वन से आर टू की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, है ना, एक पॉइंट आपका क्या था, ये था, उसको हम क्या कर रहे हैं दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो ऐसे में एक्स कॉर्डिनेट का कितना का चेंजिंग हो रहा है, एक्स वन से एक्स टू में चेंज हो रहा है, वाई कॉर्डिनेट वाई वन से वाई टू में हो रहा है चेंज, जेड कॉर्डिनेट जेड वन से जेड टू में हो रहा है चेंज। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए तो ध्यान से आपका, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या है, एक्स कॉर्डिनेट है ना, तो एक्स वन से एक्स टू में चेंज हो रहा है ना, वाई कॉर्डिनेट है ना तो वाई वन से वाई टू में चेंज हो रहा है, जेड कॉर्डिनेट है ना तो जेड वन से जेड टू में चेंज हो रहा है, और फिर सबका वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं हम लोग। क्लियर है? 100% क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसको हम क्या करेंगे, अप्रोच लेंगे। देख सकते हैं आप लोगों को कि ये अप्रोच कैसे लेना है, क्वेश्चन को वो मिल गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेंगे, जो आपका गिवन क्वेश्चन था उसको कैसे अप्रोच लेंगे ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या आपका होगा जी, इलेक्ट्रिक मतलब वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला जी आपका, ये आपको दे रखा था ठीक है। अब यहाँ से देखना P टू Q की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, और इंटू क्या होगा जी, वेक्टर dr। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, Q को बाहर कर देते हैं और आपका क्या करते हैं जी, P टू Q है, P टू Q ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था दिया आपका जी, 10 का पावर 3 और यूनिट को साइड कर देते हैं ठीक है। अब यूनिट को साइड कर देते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, आई कैप है तो आई कैप ठीक। क्लियर आपका? डॉट डी आर वेक्टर को देखिए किस किस टर्म में दिया हो, यहाँ से आपको पकड़ना होगा। देखिए ओनली एक्स कॉर्डिनेट एंड वाई कॉर्डिनेट है, एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट है, तो डी आर वेक्टर को भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में ले सकते हैं। नहीं तो आपका मन कर रहा है जेड कंपोनेंट में, तो ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आप ले लिए तो। अब देखिए आप, अगर आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो पाएगा और कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन इसके एंड इसके साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप ध्यान से, W इक्वल टू क्यू का वैल्यू दे रखा था कितना, 1 माइक्रोकुलम, तो चलिए 1 माइक्रोकुलम डाल देते हैं, माइक्रो में सबका होता है 10^-6 ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपका जी, ये आपको मिलेगा 10^3 डी एक्स ठीक है, 10^3 डी एक्स। तो सिर्फ x मिला ना, x वाला मिला ना, y वाला तो मिला नहीं। अब देखिए p का क्या क्या था जी, x कॉर्डिनेट क्या था, क्या क्या था आपका, 1 था और 3 था, इसका मतलब क्या होगा जी आपका, 1 से 3 का चेंजिंग होगा। आपको 2 से 4 का चेंजिंग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो क्या था, किस में चेंजिंग था, y कॉर्डिनेट में चेंजिंग था। तो y कॉर्डिनेट में चेंजिंग दिखाने के लिए आपके पास तो बचा ही नहीं y कंपोनेंट यहाँ पे। क्लियर है? मतलब इसका यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस किसका होगा जी, तो x कॉर्डिनेट का हो पाएगा। क्लियर है? समझ बात आ रहा है ना? तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से W इक्वल टू क्या आपका निकल करके आ गया जी, यहाँ पे 10^-6 और 10^3 को बाहर कॉमन निकाल देंगे और फिर आपका dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है तो 1 to 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10^-3 और 3-1 में मतलब कितना 2, तो 2 into 10^3 जूल, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, एकदम 100% क्लियर है। इसको जल्दी सब चलिए देखिए आपके आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ठीक है। इसमें बोला जा रहा है आपका क्या जी, वर्क डन निकालना है ठीक है। वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक जी आपका, ये आपका ओ से पी तक के लिए, फिर पी से क्यू तक के लिए, और फिर बोला जा रहा है आपका क्या, क्यू से ओ तक के लिए ठीक है। यहाँ पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, आप लोग बताइएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बताइएगा आप लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ लिखा है क्या,
माइनस टेन माइक्रोकुलम। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा आपका जी वो टोटल वर्क डन बताने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं ओ, ये आपका वर्क डन फ्रॉम ओ टू पी, है ना, ओ टू पी मतलब ओ से पी की तरफ चलते हैं वर्क डन निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ओ से पी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्यू, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ समझिए यार कि आपका हमेशा वर्क डन के लिए क्या होता है, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, वर्क डन जो होता है ना आपका जी, वो क्या होता है आपका जी, हमेशा वो आपका क्या होता है, फोर्स के एक्सटर्न मतलब क्या क्या है कसर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है मतलब वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव साइन अप्लाई करके तब लिखा करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन अप्लाई करके लिखा करेंगे, क्लियर आपका, इस तरह से लिखा करेंगे, क्लियर है। क्यों लिखा करेंगे ऐसे जी, क्योंकि आपका क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए अगर इधर हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा आपका जी, वो आपका इस तरह से लगेगा, है ना। आपको लिखा था ना अगेंस्ट, डेफिनेशन में लिखा था अगेंस्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो आपका क्या होगा डी आर का डायरेक्शन ये होगा। तो कहने का सेंस है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा इक्वल, मतलब सॉरी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इस कारण से निगेटिव साइन अप्लाई किया करते हैं, क्लियर आपका। यहाँ से देख लीजिए आपका क्या करेंगे अमृत जी, यहाँ से जो लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, क्यू को बाहर कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एंड डी आर वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, माइनस क्यू के प्लेस पे देखिए कितना था माइनस टेन, तो माइनस टेन और माइक्रो, माइक्रो मीन्स कितना होता है आपका टेन और माइनस सिक्स, क्लियर है। फिर देख लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर के रूप में एक्स प्लस टू वाई, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ ताकि आप सब कुछ हो पाएगा, तो टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देख लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है एक्स प्लस टू वाई, और ये है आपका आई कैप, और प्लस टू एक्स, और ये है आपका जे कैप, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, डी आर को हम लोग लिख सकते हैं ना, किस फॉर्म में लिखेंगे जी डी आर को, तो देखिए डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, एक्स वाई के टर्म में लिखे हैं। आपका मन करता है जेड को भी लिखने का तो लिख सकते हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वैसे भी डॉट प्रोडक्ट के बाद आपको क्या जीरो मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देख लीजिए आपका ये टेन इंटू टेन माइनस सिक्स है ना, तो कितना आपका होगा जी टेन टू माइनस फाइव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा मतलब ऐड होकर के टेन माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई इंटू डी एक्स प्लस, इसको मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ तो कितना आपका होगा जी एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल के रूप में क्या है डी एक्स है, यहाँ पे क्या वेरिएबल के रूप में क्या आपका वाई है, तो आपका क्या हुआ यहाँ से हम लोग जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या लेंगे जी एक्स का कोऑर्डिनेट लेंगे। तो देखिए आपका क्या है ओ से पी था ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना था जिसका जीरो जीरो, क्योंकि ओ ओरिजिन है, तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका जीरो, और यहाँ पे क्या वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या टू है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जीरो टू टू, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपका। ओ से पी के लिए तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंजिंग देख लिए, अब देखिए वाई के कोऑर्डिनेट पे चेंजिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा जीरो से कितना जी जीरो, तो जीरो से जीरो, तो जीरो से जीरो जब भी किसी भी आपका इंटीग्रेशन में अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू ही जीरो आता है, मतलब ये आपका जीरो आ जाएगा, क्लियर है। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या हुआ ऊपर नीचे दोनों का दोनों सेम होगा तो उसका आपका वैल्यू कितना आएगा जीरो आएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रहा है ना, उसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, क्लियर आपका, सुन मैं बता रहा आपको। ठीक है, यहाँ से देखिएगा टेन टू द माइनस फाइव, यहाँ पे देखिए अब आपका क्या होगा जी इसको थोड़ा सा क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, शायद आप लोग को सबको आता होगा इंटीग्रेशन, नहीं आता होगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग सीख लीजिए। ठीक, चलिए जीरो से टू ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ से देखिए टेन टू द माइनस फाइव, ये देखिए एक्स का एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आपका होगा, मतलब एक्स का डी एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन जो होगा तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो जीरो से कितना टू ना। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देख लीजिए आपका क्या जी वाई तो आज कांस्टेंट होगा, है ना, वाई तो आज कांस्टेंट होगा, क्लियर है, वाई आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वाई का वैल्यू है क्या जी आपका, वाई का वैल्यू क्या है दोनों पॉइंट के लिए क्या आपका जीरो ही ना है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर वाई का वैल्यू आप जीरो डाल देते हैं तो क्या मिलेगा आपका जी, अरे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, कोई दिक्कत है, समझ बता रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी टेन टू द माइनस फाइव, और यहाँ पे आपका क्या होगा टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू कितना टू, है ना, तो टू, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया आगे आपका जी टू इंटू टेन माइनस फाइव जूल, क्लियर है आपका, ये आपका पार्ट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपका क्या हुआ, ओ टू पी, मतलब ओ से पी तक ले जाने में चार्ज पार्टिकल को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो 2 × 10⁻⁵ जूल वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है 100%? ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए क्या होगा, जब का अगर मैं पी टू क्यू ले जाता हूँ, ठीक है ना, तो डब्लू पी टू क्यू मैं अगर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आपका होगा जी, फिर से वही चीज़ निगेटिव साइन अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पी से क्यू तक ले जा रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डॉट आपका डी आर वेक्टर। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को भी, ठीक है। क्यू का वैल्यू पता है आपको क्या है आपका, -10 μC, तो देखिए इसका माइनस जो आपका होगा, देख लीजिए ध्यान से, -10 μC का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस पी टू क्यू को बोलते हैं, तो पी आपका क्या है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कितना है जी, 2, और इसका q का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो देखिए तो आपका क्या हुआ, 2 से 2, और x का x वाला का कितना था आपका जी, देख लीजिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, उतना कैलकुलेशन नहीं करूँगा, और इनटू कितना dx, क्लियर है, प्लस फिर से देखिए आपका क्या जी, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 से 2 है ना, तो आपका क्या हुआ, 0 से 2, और क्या है आपका जी यहाँ पे, यही था ना आपका, तो x इनटू dy, अरे क्लियर है 100% के लिए, बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते जाए ना, आंसर आपको मिलते चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका ये 2 से 2, मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या देगा आपका जी, 0 दे देगा, क्लियर है 100%। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको, मतलब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको निकालूंगा, ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या आपका प्लस, तो 10⁻¹ और 10⁻⁶ है, तो क्या आपका होगा 10⁻⁵ हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए एक्स का, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था जी, पूरा का पूरा सेम ही था दोनों के लिए, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, 2 लिखेंगे, क्लियर है। और डी वाई का देखिए, एक्स कांस्टेंट है ना जी, अरे एक्स कांस्टेंट है ना, तो डी वाई का देखिए इंटीग्रेशन जो आपका हो जाएगा जी, क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, अरे कोई दिक्कत, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे 2 × 2⁻⁰ कितना, 2 मिलेगा, मतलब कितना होगा आपका 2 × 10⁻⁵ था, और यहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका 2 − 0, मतलब होगा यहाँ पे 2, तो 2 × 4, तो 4 × 10⁻⁵ जूल, ये रहा आपका क्या जी, वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट में बात कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्क डन फ्रॉम, देख लीजिए आप लोग ध्यान दीजिए, पहले उसका नोट करिएगा, यहाँ पे क्या वर्क डन फ्रॉम क्यू टू ओ, क्यू टू ओ की बात करते हैं, फिर से वही बात, बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग क्या करना है, चेंज करना है, जैसे यहाँ पे चेंज किए थे ना, सिमिलरली वहाँ पे भी चेंज करना है, कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो चेंज करेंगे, तो ये फिर से वही बात कि माइनस साइन पहले था, और फिर से क्या करेंगे, 10 × 10⁻⁶ डाल देंगे, क्लियर है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, इनिशियल क्या था जी, 2 था ना, और फाइनल आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0 है ना, तो देख लीजिए आपका ध्यान से, 2 से 0 है ना, और फिर आपका क्या होगा जी, एक्स प्लस 2y और इंटू dx प्लस, उसके बाद आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 से फिर से 0, तो 2 से 0 और क्या था आपका जी, क्या था आपका, एक्स इंटू dy, कोई दिक्कत है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा।